इस समय हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के सेवापुरी ब्लॉक के चित्रसेनपुर गांव सभा में हैं। यहां लॉकडाउन के चलते मुसहर वंचित समुदाय के परिवारों के घरों में फाका तफी चल रही है। यहां इनका परंपरागत व्यवसाय जो दूना पत्तल मजदूरी जो करते थे वो भी कई दिनों से बंद चल रहा है। राशन कार्ड कुछ लोगों के पास है तो यूनिट की संख्या कम है, कुछ लोगों के पास नहीं है। पीने के पानी तक के लिए मैसर है, लोग किलोमीटर एक किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। हमारे साथी अजय पटेल रेड ब्रिगेड ट्रस्ट के प्रमुख इस मामले को जाने, उजागर किए, सोशल मीडिया में प्रकाशित करें, उसके बावजूद भी ना सरकारों ने पहल की ना प्रतिनिधियों ने, स्वयं के प्रयास से इन्होंने पहल करके यहाँ के लोगों को लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को राशन मुहैया कराया है। यहाँ ना आवास है ना शौचालय है, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि घर घर शौचालय बनवाए जाएंगे वो भी नज़र नहीं आ रहा, आवास भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पीने के पानी के लिए हैंडपम्प भी नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके को सेवापुरी ब्लॉक को नीति आयोग विशेष पैकेज देकर इस पे काम कर रहा है, लेकिन उनका काम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हमारी मांग है इस तरह के बस्तियों को नीति आयोग, प्रशासनिक विभाग, जनप्रतिनिधि गोद लें, स्पेशल तरीके से काम करें, इनके हाथ में रोजगार दें, इनको आवास दे, शौचालय दे और पीने का पानी दे, इनके बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे, तब जाके एक मजबूत और सशक्त भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजय पटेल है और मैं रेड ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे आज आपका ट्रस्ट के सहयोग से यहां ये आप देख रहे हैं, हर हाथ में पैकेट आपने दिया है, क्या वजह है, क्यों दिया है? देखिए, लॉकडाउन के बाद इनके आजीविका के ऊपर एक बड़ा भयंकर संकट आया हुआ है। जब दो दिन पहले मैं यहाँ पे आया था तो कई परिवारों में यहाँ पे खाना नहीं बना था। आपने देखा कि सूखे चावल और सूखी रोटियाँ ये लोग खा रहे हैं, और उसके बाद में हम लोगों ने अपील की थी और आशा ट्रस्ट के श्री वल्लभ पांडे जी के सहयोग से जो है कि 20 पैकेट कितने परिवारों को आपने उपलब्ध कराया? यहाँ पे 20 परिवार हैं, हम लोगों ने लगभग 16-17 परिवारों को यहाँ पे राशन के पैकेट उपलब्ध, इनके अस्थाई रोजगार के लिए, राशन आवास के लिए कोई पहल आपके तरफ से किया गया या किया जाएगा? देखिए, पूर्व में भी हमने यहाँ पे इनके आवास के लिए पहल की थी और सरकार ने हमारी मांगे मानी भी थी, लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं है, जिसके लिए हम लोग एक अपना योजना बना रहे हैं कि हम लोग सरकार के पास जाएंगे और ज़मीन की डिमांड करेंगे। क्योंकि अगर हमें सर छुपाने की जगह की, अगर जहाँ पे हमें रहना है अगर एक ज़मीन मिल गई तो सर छुपाने के लिए हम लोग अपना जो है कि झोपड़ी भी बना के रह लेंगे। कौन है जगह? बुधना बच्चा पढ़ा ले स्कूल? वो मिला कहाँ पढ़ा ले? रेखा, रेखा कहाँ बच्चा नहीं पढ़ते? आप अपना परिचय दीजिए। अजय पटेल हूँ और रेड ब्रिगेड संस्था चलाता हूँ। क्या कर रहे हैं आज, यहाँ कौन से गांव में हैं? ये वाराणसी जिले का चित्रसेनपुर गांव है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज हम लोग राशन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। Thank you.